नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पांच डिविडेंड देने वाले शेयर जो आपको एफडी से ज़्यादा डिविडेंड पर रिटर्न देते हैं। अगर आप एफडी में अभी आप लगाते हैं अपना रुपया तो आपको 6% मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा, साथ ही साथ उस पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। लेकिन जो डिविडेंड है वो 10 लाख रुपये तक, जो एनुअली 10 लाख रुपये तक डिविडेंड आपको मिलेगा वो इनकम टैक्स फ्री है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं डिविडेंड के साथ। साथ ही इसमें हम आपको ऐसी कंपनियों भी बताएंगे जिसमें आपको ह्यूज रिटर्न भी देखने मिल सकता है, मतलब रिटर्न में भी आपको 10-15% से ज़्यादा का एनुअल रिटर्न भी मिल सकता है, और डिविडेंड जो है 5% से ज़्यादा का आपको डिविडेंड भी मिलेगा। तो ऐसी बेहतरीन कंपनियों लेकर के आए हैं, पाँच बेहतरीन कंपनियाँ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एफडी के साथ जाना चाहते हैं तो एफडी को छोड़ करके आप स्टॉक मार्केट के साथ जा सकते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत जानते हैं। तो पाँच स्टॉक बताएंगे जिसमें आप एक से दो स्टॉक आप चुन सकते हैं, दो स्टॉक कम से कम चुने, क्योंकि हमेशा पोर्टफोलियो जो है डाइवर्सिफाई होनी चाहिए। यही पांच कंपनियां सिर्फ नहीं स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट में बहुत सारी ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिसे आप रिसर्च कर सकते हैं, जिस पर आप अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हैं इन्वेस्ट करने का, अगर आप एफडी को छोड़ करके स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हैं एक कंटिन्यूस रिटर्न प्राप्त करने के लिए। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा है कोल इंडिया, ये एक पीएसयू स्टॉक है। तो पीएसयू स्टॉक में गवर्नमेंट की सिक्योरिटी भी मिलती है आपको, साथ साथ ये स्टॉक देखिएगा काफी अंडर परफॉर्म रहा है। तो पीएसयू स्टॉक काफी दिनों से अंडर परफॉर्म है, तो इस बात को ध्यान आप रख सकते हैं, तो जिससे कि आपको इन्वेस्ट करने में काफी मदद मिलेगा, क्योंकि पीएसयू स्टॉक आने वाले समय में काफी ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। ये देखिएगा तो मिनिमम जो है 123 रुपया तक ये आ चुका था अगर आप यहाँ पर गिरावट में इन्वेस्ट किए होते, अभी भी ये आपको काफी नीचे दाम पर मिल रहा है, 131 रुपया के प्राइस पर, तो काफी मतलब सस्ता मिल रहा है। और अभी आप इसका डिविडेंड यील्ड देखिएगा तो 13% है, मतलब अगर आप इसमें 100 रुपया इन्वेस्ट किए तो आपको 13 रुपया आपको रिटर्न मिलेगा डिविडेंड के रूप में। लेकिन ये स्टॉक आप 100 रुपया तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते, कम से कम एक शेयर आप बाय करते हैं 132 रुपया आपको लगाना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप चाहते हैं अगर एफडी में 50,000 रुपये लगाना तो आप इसका जो है कुछ स्टॉक बाय कर लीजिए, और आगे हम आपको बताएंगे कुछ स्टॉक उस कंपनी का बाय कर लीजिए, दो स्टॉक आप कम से कम इन्वेस्ट कीजिए। तो डिविडेंड काफ़ी बेहतरीन है, एफडी से 2 गुने से भी ज़्यादा है, साथ साथ 10 लाख रुपये तक डिविडेंड जो है टैक्स फ्री है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये हो गया काफ़ी बेहतरीन कंपनियां जो कि पीएसयू स्टॉक है। अगर आप मतलब जो एसबीआई का बैंक उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब उसमें एफडी कराना चाहते हैं, तो उसके बदले आप जो गवर्नमेंट का शेयर है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, कभी आपका पैसा डूब नहीं सकता, भले इसमें रिटर्न आपको कम मिले, डिविडेंड के रूप में तो इतना मिलेगा ही, इतना रिटर्न आपको स्टॉक पे कई सारे स्टॉक पे नहीं मिलता है। ये तो आपको जो डिविडेंड है उसी के रूप में आपको 15% के अप्रॉक्स रिटर्न दे रहा है, साथ ही साथ रिटर्न आने वाले समय में पीएसयू स्टॉक काफी अच्छा दे सकता है। उसके बाद अगला है सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है, सोनाटा सॉफ्टवेयर ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है, और साथ ही साथ आईटी सेक्टर का स्टॉक है, आईटी फार्मा आप देख रहे हैं काफी ज्यादा परफॉर्म कर रहा है अभी, और इस स्टॉक का जो डिविडेंड पे रिटर्न है देखिए 7.90% का डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड यील्ड इतना परसेंट हुआ कि 100 रुपये आप इसमें इन्वेस्ट किए हैं तो आपको 7.90 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा, अगर आप 1000 इन्वेस्ट किए हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 79 रुपीज आपको डिविडेंड मिलेगा हर साल, और डिविडेंड के रूप में आपने देख लिया कितना बेहतरीन रिटर्न है। साथ ही साथ ये कंपनी आपको काफी ज्यादा ह्यूज रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पे। तो चलिए दिखाते हैं कैसे, आप यहाँ से रिटर्न देख लीजिए, कभी भी आप गिरावट में बाय करते हैं तो यहीं से आपको दिखाते हैं, अगर 2012 से कोई इन्वेस्ट किया होता तो अभी तक में उसे 1300% का रिटर्न प्राप्त होता, तो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न है। यहाँ पर थोड़ा सा ये 2021 में इसमें गिरावट काफ़ी ज़्यादा हुई, उस समय भी ये स्टॉक 220 रुपये का हुआ करता था, अभी आपको मात्र 300 रुपये में ये स्टॉक मिल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन स्टॉक है। और यहाँ जो पैंडमिक था उसमें काफ़ी शार्प गिरावट आया था, अगर आप इस गिरावट में इन्वेस्ट किए होते तो अभी तक में आपको काफ़ी ज़्यादा 40% से अबव आपको रिटर्न प्राप्त होता इस स्टॉक में, और जब वहाँ पर इन्वेस्ट किए होते अगर आप गिरावट में, तो ये डिविडेंड आपको जो डिविडेंड यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 12% से अधिक होता। तो हर गिरावट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसी कंपनियों में तो आपको काफ़ी ज़्यादा ह्यूज रिटर्न भी प्राप्त होता है, साथ साथ डिविडेंड भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्राप्त होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक आप ज़्यादा बाय करेंगे, तो इन सारे बातों को आपको ध्यान रखना है। तो ये दूसरी बेहतरीन कंपनी है, साथ साथ आईटी सेक्टर की कंपनी है, जिसमें आपको हमेशा रिटर्न काफ़ी ज़्यादा प्राप्त होगा, देख सकते हैं कभी किसी भी गिरावट में आप बाय किए रहते तो रिटर्न देख लीजिए 2500% का रिटर्न, 2003 से कोई इन्वेस्ट किया होता, साथ साथ डिविडेंड तो काफ़ी बेहतरीन है ही। उसके बाद अगला कंपनी है भारती इंफ्राटेल,
इसका भी डिविडेंड आप यील्ड देख लीजिए 6.45%, तो डिविडेंड यील्ड कितना बेहतरीन है। एयरटेल की कंपनी है, ये टावर को मेंटेन करती है और इस कंपनी का भी देखिएगा 5 साल में काफ़ी अंडर परफॉर्म है। मैक्सिमम ईयर में देखिएगा तो भी काफ़ी, यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है इन्वेस्टर को, लेकिन डिविडेंड यील्ड काफ़ी ज़्यादा है। ये देख लीजिए 147, यहाँ पर देख लीजिए 197%, यहाँ पर देखते हैं तो 42%, 2013 में कोई लगाता अभी तक में सिर्फ 42% का रिटर्न। तो यही है कंपनी में जब ग्रोथ आपको नहीं दिख रहा है तो ये कंपनी डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं काफ़ी शानदार, क्योंकि कंपनी का बिजनेस तो ग्रो हुआ, प्रॉफिट ग्रो हुआ, लेकिन कंपनी का शेयर में अभी तक जो है शेयर मार्केट में ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, मतलब इंटरेस्ट इन्वेस्टर का इस पर ध्यान नहीं गया है और इसीलिए कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड यील्ड है कंपनी का, 6.45% का रिटर्न दे रहा है डिविडेंड के रूप में। इन कंपनियों में आप इन्वेस्ट करते हैं, ये कंपनी काफी अच्छी है। जो एयरटेल है वो इसकी पैरेंट कंपनी है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं एयरटेल काफी बेहतरीन कंपनी है, तो उसी इसकी पैरेंट कंपनी भी एयरटेल ही है, तो आप इस कंपनी के साथ जा सकते हैं। उसके बाद अगला है हमारा REC लिमिटेड, इसका भी डिविडेंड यील्ड देखिएगा तो काफ़ी बेहतरीन, यहाँ पर देखिए 20%, लेकिन 20% नहीं, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो 20% गलत है, 10% इसका डिविडेंड यील्ड है। ये 20% कब का दिखा रहा है, इसमें जो पैंडेमिक में गिरावट आया था वहाँ से दिखा रहा है, क्योंकि उस समय प्राइस इसका काफ़ी कम हो गया था, देख सकते हैं 81 रुपीज़, तो वहाँ का ये है। ऐसे ये आपको 10% से अबव डिविडेंड यील्ड है इसका, मतलब डिविडेंड काफ़ी शानदार है इस कंपनी का, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस कंपनी का चार्ट देखिएगा तो चार्ट काफ़ी बेहतरीन, देख सकते चार्ट काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी बार थोड़ी सी गिरावट आया है लेकिन काफ़ी जल्दी रिकवर किया, मतलब ये साइकिल वाला, एक बार अप साइकिल, एक डाउन साइकिल, अप साइकिल, डाउन साइकिल, तो अभी ये कंपनी डाउन साइकिल में, अभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और डिविडेंड का जो रेशियो है वो तो आप देख ही सकते हैं कितना शानदार है, लेकिन 10% गारंटी के साथ ये हर साल आपको डिविडेंड के रूप में रिटर्न देगा, तो 10% तो काफ़ी होता है, साथ साथ आपको ग्रोथ भी मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए, जब भी इन्वेस्ट रहेंगे तो इस कंपनी में तो आपको काफ़ी ह्यूज रिटर्न मिलेगा, देख सकते हैं 269% का रिटर्न प्राप्त हो रहा है 2008 से अभी तक में। उसके बाद अगर आप इससे पहले कभी भी आप साइकिल में इसको सोल्ड करेंगे तो देख लीजिए 627% का रिटर्न, तो ग्रोथ का भी रिटर्न मिलेगा, डिविडेंड का भी रिटर्न मिलेगा, दोनों रिटर्न काफ़ी बेहतरीन मिलेगा आपको। उसके बाद अगला है हमारा आयल इंडिया लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन है, इस कंपनी का भी डिविडेंड देख लीजिए 11.43%, तो ये 5 कंपनियां हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन आपको डिविडेंड के रूप में रिटर्न देती है। आप इसका देखिएगा मैक्सिमम चार्ट, तो ये भी कंपनियां देख सकते हैं काफ़ी अंडर परफॉर्म है, तो काफ़ी सस्ते, मतलब एक वैल्यू बाइंग जो कहते हैं वो वैल्यू बाइंग पे आपको ये सारे स्टॉक्स मिल रहे हैं। ये सारे स्टॉक में काफ़ी तेज़ी आपको आगे देखने मिल सकते हैं, क्योंकि PSU स्टॉक काफ़ी दिनों से अंडर परफॉर्म है, इसलिए इसके जो डिविडेंड देख सकते हैं काफ़ी शानदार हो चुका है, क्योंकि कंपनी तो लगातार प्रॉफिट करती गई, लगातार प्रॉफिट में जंप होता गया, लेकिन स्टॉक के प्राइस में जंप देखने नहीं मिला। तो ऐसे में जब स्टॉक के प्राइस में जंप देखने नहीं मिला, प्रॉफिट बढ़ती गई, कंपनी डिविडेंड यील्ड बढ़ता गया और डील देखते हैं इतना ज़्यादा हो चुका है कि कई सारे लोग तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वो सोचते हैं कि 15% का रिटर्न मिल जाए। अगर 15% का ही रिटर्न आपको 20 साल तक मिलता है तो समझ सकते हैं आप कितना यहाँ से अर्न करेंगे। तो इसलिए कहते हैं आप इन सारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए, मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम चाहते हैं FD में जाने के बजाय अगर आप स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं। और ये 5 कंपनियां से काफ़ी वेल रिकॉग्नाइज्ड है, काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो अगर आपको कोई भी कंपनी पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।